हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप अच्छे ही होंगे। और आज फादर्स डे पर हमने बहुत ही चटपटा और हल्का फुल्का एक आलू का स्नैक्स बनाया है, बहुत ही अच्छा है। आलू पोटैटो चिप्स इसको बोलते हैं। आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अच्छा लगेगा। बहुत ही कम सामान में और बहुत ही टेस्टी बनता है और एकदम हल्का फुल्का है। शाम के टाइम में ज़रूर आप लोग एक बार ट्राई कीजिएगा, बच्चों को तो बहुत पसंद आएगा। जैसे मखाना चिप्स होता है ना, उस टाइप का लगेगा, बहुत ही अच्छा। और एक बार आप लोग ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। चलिए, इसका रेसिपी आप लोगों के साथ हम शेयर करते हैं। हल्के फुल्के रेसिपी है और बहुत ही ईजी है। आप ना इसके लिए पहले क्या करना, आलू को एक सीटी टाइट, मैंने आलू इसमें उबालना है। अगर गीला आलू हो जाएगा ना, तो आलू गीला हो जाएगा तो नहीं बनेगा। आपको आलू एकदम से टाइट उबालना है और ये फोक चम्मच के सहारे आपको आलू को मैश करना है। ये अच्छी तरह से एकदम आलू को अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। हमने ये चार पांच आलू को एक सीटी में ही उबाल लिया था और पानी तुरंत हमने निकाल दिया था, ताकि इसमें आलू में मॉइस्चर ज़्यादा ना हो, नहीं तो गीला होने के बाद से नहीं बनेगा। और इसमें हमने ये स्वाद अनुसार नमक डाला और इसमें हम थोड़ा सा ये ब्लैक, मैंने काला मिर्च का जो पाउडर होता है ना, उसको हम पीस के रखा है, वो डाला थोड़ा सा। और इसमें दो तीन बड़े चम्मच हमने कॉर्नफ्लावर डाला है, बस। इसमें और कुछ भी नहीं डालना है आपको। और हाथ से अच्छे तरह से मैश करते हुए आटे की तरह इसको डो बनाना है। और देखिए, चारों साइड से एकदम मिक्स करते हुए अच्छी तरह से। अगर आपका ये आलू गीला होगा ना, तो ज़्यादा कॉर्नफ्लावर लगेगा और फिर मॉइस्चर से अच्छा नहीं बनेगा। इसीलिए आलू का उबालने पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, आलू एकदम से टाइटली उबलना चाहिए। और ये देखिए, हमने इसको आटे की तरह एक अच्छी तरह से एक टो लगा देंगे, चारों तरफ से समेट के एक बर्तन में आप लोग लेके। और उसके बाद से इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बहुत ही मैंने इजी फुल से एकदम से हल्के फुल्के। जब भी अगर आपको थोड़ी सी हल्का फुल्का स्नैक्स खाने को मन कर रहा ना, तो आराम से बनाइए, बच्चों को खिलाइए। संडे का दिन या कोई भी दिन अच्छे से टाइम है तो थोड़ा सा। और ये देखिए, आटे की तरह हमने टो लगा दिया और एक आटे की तरह ही एक छोटा सा लोई लेके और इसको हाथे से रोल करेंगे। और रोल करके इसको थोड़ा सा पतला रोल करेंगे, क्योंकि हमको इस ये शेप में काटना है छोटे छोटे पीसेस में। और ये अच्छे लगता है छोटे छोटे पीसेस में काट के फिर देखने में। और ये देखिए, आधा आधा इंच का हमने छोटे छोटे पीसेस काट दिया। और काटने के बाद के इसको ना थोड़ा सा ऊपर से क्या करेंगे, हल्के से फोक के सहारे थोड़ी सी दबा दबा के इसको एक प्लेट में रखेंगे। और प्लेट में रखने के बाद से हम इसको हम दो तीन ऐसे बना लेंगे, एक प्लेट कम से कम। और उतना चार पांच आलू में ना कम से कम एक प्लेट भर के बन जाता है, दो चार फैमिली तो आराम से खा लेंगे। और तब तक हमने कढ़ाई में तेल रख दिया गर्म होने के लिए। और गर्म हो गया एकदम, ये गैस का फ्लेम ना हाई न जो ज़्यादा लो, एकदम मीडियम फ्लेम पे गर्म है और मीडियम फ्लेम पे ही बन रहा है। देखिए, अच्छे से सेकने के बाद से ही आप लाटिएगा, क्योंकि जब तक नीचे से अच्छे से सेकेगा नहीं ना, एकदम लाल लाल सेक जाता है। और ब्राउन फोक के सहारे या चम्मच के सहारे आप अच्छे से इसको पलट के और पलटे से भी अच्छे से सेकने के बाद एकदम फूल फूल के इतना अच्छा बन जाता है ना क्रंची, बहुत ही टेस्टी लगता है। ये देखिए, कितने देखने में अच्छे लग रहे हैं ना, बच्चों को भी बहुत पसंद आया है। आप लोग एक बार ज़रूर बनाइएगा। और ये देखिए, हमने सारा प्लेट में निकाल देंगे। और निकालने के बाद से इसमें थोड़ा सा हमने ऊपर से टमाटर सॉस डाला है। और उसके बाद से आप टमाटर सॉस में डिप करके खाइए। अगर आपको चटनी पसंद है तो चटनी भी ले लीजिए, पर सॉस के साथ बहुत ही अच्छा लग रहा था और बहुत ही टेस्टी। आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और हमारा रेसिपी पूरा फॉलो कीजिए प्लीज़। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, देखिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। थोड़ा सा सपोर्ट करने से क्या जाता है, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। मेहनत हमारा है, आपकी सपोर्ट है तो अच्छा ही रहेगा। और आप लोग पूरी फैमिली के साथ, और आज ना फादर्स डे है, और फादर्स डे स्पेशल आप लोग भी कुछ बनाइए और फादर को स्पेशल फील कराइए। और माता रानी करे, फादर डे आते रहे, हम लोग मनाते रहें। और थैंक यू सो मच ऑल फैमिली, ऑल लाइफ, ऑल यू।